बांग्लादेश में मंदिर पर हमले में 200 लोगों ने बोला था धावा, इस्कॉन का दावा, तालाब से मिली पुजारी की लाश। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में वायु प्रदूषण बढ़ा, टॉप 10 प्रदूषित शहरों में ज्यादातर एनसीआर के। नहीं चला महंगाई का रावण, आज फिर बढ़ गए तेल के दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एनडीटीवी से बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, बोले 33% टैक्स तो वसूली है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच होंगे, T20 वर्ल्ड कप के बाद पद छोड़ेंगे रवि शास्त्री। आर्यन खान और एनसीबी के बहाने उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा हिम्मत हो तो सरकार गिरा कर देखो। भारत में COVID-19 के पिछले 24 घंटे में 15,981 नए मामले आए सामने, वहीं 166 मरीजों की हुई मौत। पाकिस्तान में भी महंगाई की आग, एलपीजी गैस प्रति किलो 43.46 रुपए हुआ महंगा। चीन ने पाकिस्तान से मांगा 285 करोड़ रुपए का मुआवजा, दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की रखी शर्त। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक शुरू, पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर निर्णय संभव।